हाँ भाई, जय श्री अलसी। स्वागत है आपका, वेलकम अगेन अपनी नेक्स्ट सीरीज में। जेनेटिक्स का पोर्शन लेकर आए हैं आज मैं और यतिंद्र सर आपके सामने दोबारा 53/90। तो दोस्तों, पता ही नहीं चला एक सफर की शुरुआत अपन ने की थी और अप्रोक्सीमेटली 60% से ज्यादा अपन ने इसको कवर अप कर लिया है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा यतिंद्र सर। अगर बात करें 3 साल पहले की जो AIPMT हो रही थी, नीट हो रही थी, उनमें अगर इसके वेटेज की बात करें तो ईच ईयर जो है 7 to 8 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा रहे थे, और पिछले 3 साल में यहाँ से 6 to 7 क्वेश्चन जो है वो आज किए जाते हैं। तो नो डाउट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हमने आपके लिए जो है वो फर्दर सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। स्टार्टिंग में अपन यतिंद्र सर बच्चों को थोड़ा सा बता दें हाँ, बिल्कुल सही है। ये जो 7 पार्ट्स रहेंगे ये किस प्रकार रहेंगे। स्टार्टिंग में अपन इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड लेंगे। सेकंड लेक्चर में अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ही फर्दर क्वेश्चन आएंगे, और उसके अलावा एलिलिक इंटरेक्शन में जो एक्सेप्शन बनता है लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेग्रीगेशन, इनको लेकर तो उनकी भी अपन बात करेंगे। उसके बाद डाईहाइब्रिड क्रॉस के क्वेश्चन अपने जो है आज करेंगे अपन। एलिलिक इंटरेक्शन, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन के सेपरेट क्वेश्चन बच्चों को प्रोवाइड करवाएंगे, और उसके बाद जो है वो हार्डी विनबर्न इक्विलिब्रियम, पेडिग्री एनालिसिस और जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स हैं इनकी सेपरेटली बात की जाएगी। मतलब ऑर्डर से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़ेंगे। और इसमें हमने जो है एनसीईआरटी बेस्ड तो रखा ही रखा है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन भी आपको रखा है। ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन जितने सर वैसे हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे नहीं जा रहे हैं, डिटेल में नहीं पूछते, इतना डिटेल में नहीं आ रहे हैं, फिर भी एक जेनेटिक्स जहां पे टर्म आ जाता है नो डाउट न्यूमेरिकल पोर्शन का भी अपने आप में वेटेज वहां पर जरूर रहता है। हाँ भाई, तो स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट डोमिनेंट, करेक्ट की बात, नॉट ए करेक्ट, जी जी ठीक है, डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को अपन बता दें कि मेंडल ने जो अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे, एक तो इसका ड्यूरेशन आपको याद रखना है, बिल्कुल 2018 नीट में क्वेश्चन भी ये पूछा जा चुका है, 1856 से लेकर 1863 तक, मतलब 7 साल है ना, बिल्कुल 7 ईयर तक ये हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर जो इन्होंने मटर का पौधा काम में लिया है, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इन्होंने देखे, और 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इनको 7 पेयर वेराइटी या 14 वेराइटी में, 14 वेराइटी, तो 7 पेयर वेराइटी कह दो या 14 वेराइटी कह दो, मतलब 7 करेक्टर है बिल्कुल, और हर करेक्टर के दो ट्रेट है, जैसे एक करेक्टर हाइट है तो टॉल और ड्वार्फ, बिल्कुल है ना। तो इसका मतलब आप जो कह रहे हो कि 14 वेराइटीज, 14 वेराइटी, तो वो प्योर हो गई फिर है ना। एग्जैक्टली, एक प्योर टॉल है और एक प्योर ड्वार्फ हो, बिल्कुल इस तरीके से, मतलब 7 करेक्टर हैं, बिल्कुल आपकी 14 वेराइटीज, उनके दो, हर करेक्टर के दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बन जाते हैं, विपर्यासी विशेषक इनको कहा जाता है। ठीक है जी, तो अपन वो करते हैं डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप की ओर। तो ये तीन से पहले बच्चों को थोड़ा सा रफ लेकर अपन बता ही देते हैं। सबसे पहले अपन हाइट की बात कर लें जी। नंबर 2 फ्लोवर कलर, फ्लोवर कलर। नंबर 3 फ्लोवर पोजीशन जी। नेक्स्ट आ जाएगा पोड कलर, पोड कलर लेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा पोड शेप, शेप, सीड कलर और सीड शेप, सीड शेप जी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अपन डोमिनेट की बात कर लें, यहाँ रिसेसिव की बात कर लें। यतिंद्र सर हाइट की बात करें तो डोमिनेट, तो डोमिनेट पे टॉल हो जाएगा और रिसेसिव के अंदर ड्वार्फ, ड्वार्फ हो जाएगा, लंबे और बोने, बिल्कुल। फ्लोवर कलर की अगर बात करें, फ्लोवर कलर की बात करें तो जो पर्पल है या वॉयलेट कह सकते हैं, तो ये डोमिनेंट हो गया, और ग्रीन जो है वो रिसेसिव, बिल्कुल ठीक बात है। फ्लावर पोजीशन की बात करें, एक मिनट, फ्लावर कलर में रिसेसिव अपना व्हाइट बन जाएगा, सॉरी फ्लावर कलर, हाँ सी, हाँ ये सीड कलर के लिए, हाँ सॉरी सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये व्हाइट हो जाएगा, ये व्हाइट हो जाएगा। फ्लावर पोजीशन की बात करें तो जो एक्सियल है बिल्कुल डोमिनेंट, डोमिनेंट हो जाएगा, एंड पे टर्मिनल जो है वो रिसेसिव फॉर्म बन जाएगी। पॉड कलर के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो जैसे सीड कलर और पॉड कलर को बच्चे एक साथ याद रख सकते हैं, बिल्कुल, कि सीड कलर में तो येलो डोमिनेंट और ग्रीन रिसेसिव, ठीक है, और पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट और येलो रिसेसिव। इसके लिए ये दिन सर मैं एक बच्चों को ट्रिक बताता हूं, ट्रिक जरूर बताइए, कि मार्केट से अपन मटर लेने गए भैया, ठीक है, तो दुकान वाले ने अपने को मटर बेच दिए, अपने को बड़े सुंदर दिख रहे हैं मटर, हरे हरे मटर हैं, ठीक है जी, लेकिन घर पे आके मटर को जब छील के देखा तो अपने साथ धोखा हो गया, तो उसमें हरे दाने निकलने चाहिए थे लेकिन वो दाने कैसे हो गए, वहां पर पीले हो गए। इसका मतलब अपन ने जो देखा मार्केट में वो डोमिनेंट था, इसका मतलब फलियां अच्छी लगी अपने को तो ग्रीन डोमिनेंट, अच्छा लगा वो, मतलब डोमिनेंट मान ले, हाँ वो डोमिनेंट हो गया।
तो फली की बात करें तो यहां पर फली कैसी होगी, ग्रीन डोमिनेंट है येलो के ऊपर, ठीक है। और मटर के दाने की अगर बात करें, शीट कोट कलर की बात करें, तो धोखा हुआ, होना ग्रीन चाहिए था लेकिन पीला निकल आया तो पीला डोमिनेंट हो गया। तो ये वाली एक ट्रिक, ये दोनों एक साथ याद, एग्जैक्टली तो कलर के रेस्पेक्ट में जो ग्रीन डोमिनेंट और येलो विशेष हो गया, पॉड शेप में फुल जो है वो डोमिनेंट हो गया, बिल्कुल, जिसको इन्फ्लेटेड भी कहा जाता है, फुला हुआ, जी फुला हुआ, और कॉन्स्ट्रिक्टेड जो है वो रिसेसिव, वो रिसेसिव हो गए, और सीड कलर है ना, बिल्कुल, तो सीड कलर में येलो डोमिनेंट हो गया, ठीक है, ग्रीन रिसेसिव, रिसेसिव हो गया, धोखा हुआ है, हाँ बिल्कुल धोखा हुआ है। लास्ट है सीड शेप, सीड शेप इसके अंदर राउंड डोमिनेंट और रिंकल्ड रिसेसिव, रिसेसिव फॉर्म हो गया। साथ ही पर इनके जीन से भी रिलेट करते हैं, बिल्कुल, जैसे क्वेश्चन, हाँ हाँ बिल्कुल, तो जैसे फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ और सेवन, बिल्कुल, ये जो सात करेक्टर हैं और इनके जो जो जीन है वो टोटल फोर क्रोमोसोम पे, एग्जैक्टली, तो उसके लिए आप इनकी पोजीशन जरूर याद रखें, मैं अभी अपने यहां लिख देता हूं, ये क्रोमोसोम हो गए अपने, जी जितेंद्र सर, और लास्ट वन ये वाला क्या लगे, ठीक है। इनकी अगर बात करें तो मेंडल ने ये जो सेवन करेक्टर की बात कर रहे हैं, इनके लिए जीन कहां पर पाई जा रही है, चार क्रोमोसोम पर पाई जाएगी, एक क्वेश्चन तो यही बनता है। अब कौन से जीन कौन से पर मिलेगी ये भी आपको याद रखना है, तो वो क्रोमोसोम फर्स्ट है 1, 4, 5, 7, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, क्रांति कौन सी थी, 1857 वाली, उससे 300 साल पहले की अपन बात कर रहे हैं, 1457 आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि सर बात करें तो पहले पर दो है जी, दूसरे पर तीन है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, बिल्कुल। अब क्या क्या पाया जा रहा है वो आपको याद रखना है। यहाँ अगर बात करें जितेंद्र सर, तो यहाँ जाएगा सीड कलर, सीड कलर, एग्जैक्टली ये हो गया सीड कलर, पहले पर कलर ही पाया जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा फ्लावर कलर, फ्लावर कलर जी, फ्लावर कलर। अगर सीड कलर जितेंद्र सर इस पर है तो सीड की शेप फिर लास्ट वाले पर आ जाएगी, ये ऐसे याद रख लेना है आपको। तो ये सेवन पर कौन सी होगी, सीड शेप, सीड की शेप, ठीक है। अगर यहां पर फ्लावर कलर है तो यहां पर जो है फ्लावर की पोजीशन आ जाएगी, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन, क्यों, और यहां अगर बात करें तो ये प्लांट की हाइट होगी, प्लांट हाइट ले ली, और ये वाला फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन इधर आ जाती है अपनी, फ्लावर पोजीशन आ गई क्या, यहां पर अपन बात करेंगे पॉड की, पॉड की शेप हो जाएगी, पॉड की शेप जी, और ये आ जाता है प्लांट की हाइट, प्लांट हाइट, प्लांट हाइट, और ये जो एक रह गया ये हो जाएगा पॉड का कलर, पॉड का, पॉड कलर, ठीक है बच्चों। अब जैसे कलर वाले तीन हो गए तो दो तो एक साथ रखने, ठीक है, और एक बच्चों को अलग याद रखना, और वो जो है वो पांचवे नंबर का पोर्ट कलर सेपरेटली याद रखना है आप लोगों, इसको दो तीन बार आप लिख कर देखोगे ना तो परफेक्टली याद हो जाएगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो मूव करते हैं सर क्वेश्चन की ओर, एक चीज और अपन बता सकते हैं कि जो इन लोगों ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बनाया जी, ना जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा क्रोमोसोम जो अलग अलग जर्म सेल में जाएंगे ओके, उस वक्त क्रोमोसोम जब मूव करेंगे तो कौन से जीन एक साथ जाएंगे भाई जो एक क्रोमोसोम पे हो। और यदि सर ये क्वेश्चन ऐसा बनता है, अगर मेंडल ये वाला करेक्टर लेकर स्टडी कर लेते हैं तो क्या नहीं खोज पाते वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात नहीं कर पाते फिर वो, और वो दो करेक्टर ये वाले कहलाएंगे क्योंकि इनकी जीन पास पास पाई जाती है, पास पास, अगर आप बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर यतन से एक ऑप्शन ये भी मिलता है जी, जी। कि अगर इन दोनों करेक्टर की वो स्टडी करते हैं तो वो क्या नहीं खोज पाते हैं, ठीक है जी, तो वहां पर एक ऑप्शन मिलता है वो लिंकेज नहीं खोज पाते हैं, तो लिंकेज तो बाद में डिस्कवर किया गया, लिंकेज छोड़ो ना, मेंडल ने जो डिस्कवर किया है उनकी बात करनी है अपने को, वो क्या नहीं बता पाते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं बता पाते, उसका एक्सेप्शन बन जाता है जी सर। तो सुनील जी अपन कह सकते हैं कि जो सीड कलर है या फ्लावर कलर है, ठीक है, और पॉड यानी फ्लावर कलर और जो पॉड शेप है ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगे, ठीक है, या फ्लावर कलर और प्लांट हाइट भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, या सीड कलर और फ्लावर कलर या इस सीड कलर के साथ इनमें से कोई भी करेक्टर बिल्कुल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेगा, बिल्कुल, लेकिन ये एक ही क्रोमोसोम पे तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करेगा जिसे सीड कलर है और फ्लावर कलर, बिल्कुल, इसके अलावा फोर्थ वाले जो तीनों करेक्टर है ये भी नहीं करेंगे। हाँ जैसे अपन कहें कि पॉड कलर
और सीड शेप, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करें। बिल्कुल, है ना। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये केंद्र सर है, ये दोनों भी शो कर सकते हैं अगर ये बहुत दूरी पर पाए जा रहे हो। बिल्कुल, हाँ, इसमें हाँ। कह सकते हैं कि अगर, लेकिन डिस्टेंस अगर काफी कम है, लिंकेज स्ट्रॉन्ग हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये वाला केस इसीलिए पहले आपको बताया गया था क्योंकि ये दोनों जीन बहुत ही पास पास पाई जाती हैं। अगर मेंडल इनको लेकर डाइहाइब्रिड क्रॉस बता देते तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दे पाते। अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाउन करना है इसको। जितेंद्र सर मूव करेंगे क्वेश्चन की ओर, तो अपने को डोमिनेंट रिसेसिव देखना है। एक्सियल डोमिनेंट है, टर्मिनल रिसेसिव है, सही बात है। टॉल ड्वार्फ डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, तो पहला तो करेक्ट चला गया। आपने इनकरेक्ट देखना है, तो ये आंसर नहीं होगा अपना। येलो ग्रीन पॉड की बात कर रहे हैं, तो येलो पॉड डोमिनेंट नहीं है, ये तो पहले ग्रीन आता है, पहले ग्रीन होना चाहिए था, तो ये तो हो गया रिसेसिव, ये हो गया डोमिनेंट। अपने को डोमिनेंट रिसेसिव देखना है, तो ये बात अपनी गलत होगी भैया। राउंड रिंकल्ड तो ठीक है, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। अगला क्वेश्चन, फुल डोमिनेंट है, रिसेसिव है। येलो सीड कलर की बात कर रहे हैं, डोमिनेंट है, रिसेसिव है। वॉयलेट डोमिनेंट है, रिसेसिव है। और इनफ्लेटेड डोमिनेंट है, रिसेसिव है। तो इनकरेक्ट अपना कौन सा बन गया, सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि पहले ग्रीन आना चाहिए था। पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट होता है येलो के ऊपर, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हमने आपको जो है नोट डाउन करके बताई है, इनको आप सेपरेट कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, एनसीईआरटी में मेंशन कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू। जी सर, यहाँ पे जो है वो ऑड वन देखना है, ट्रू ब्रीडिंग लाइन के लिए ना। और ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब सुनील जी, हम लोग कह सकते हैं कि इस वाली कंडीशन है, होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है या होमोजाइगस रिसेसिव हो सकता है। और इसमें अगर हम लोग सेल्फ इन कर दें, तो सेल्फ इन करने के बाद में जो भी प्रोजेनी आएगी सारी की सारी इसी तरीके की बन के जाएगी, ठीक बात है। और जो भी पर्टिकुलर करेक्टर होगा वो स्टेबली हर जनरेशन में उसी तरीके से इनहेरिट होगा। अगर टोल है तो टोल जाएगा, और अगर ये होमोजाइगस रिसेसिव होता तो फिर वो सारे के सारे ड्वार्फ होते। बिल्कुल बिल्कुल, तो जिस प्रकार का जीनोटाइप होता है, फॉर एग्जाम्पल आर आर टाइप का अगर प्लांट है, इसका अगर आर आर से ही क्रॉसिंग करवा दी जाती है, तो ये स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस दर्शाता है मेनी जनरेशन तक, ठीक है। और बिना किसी चेंज के ऐसा इनहेरिटेंस ये देखा जाता है, ये क्या कहलाता है, ट्रू ब्रीडिंग लाइन ऑब्टेन की जा सकती है इससे, ठीक है। तो मेंडल ने भी जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे, उसमें सबसे पहला काम इन्होंने प्योर प्रोजेनी ऑब्टेन करना, सबसे पहले इनब्रीडिंग की थी, सबसे पहले इनब्रीडिंग करवाया था। तो ऑड वन देखना है इसके लिए अपने को। जी सर, तो इसके अंदर शो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस ये होगा, है ना। शो एक्सप्रेशन फॉर फ्यू जनरेशन ओनली, नहीं नहीं, तो हर जनरेशन तक वो जो करेक्टर है वो मूव, मैनी जनरेशन होना चाहिए, मैनी और ओनली भी लगा दिया, ठीक है। फिर अंडरगो कंटीन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन, ये सेल्फिंग ही चल रही है, सेल्फिंग ही चल रही है, ठीक है भाई। प्लांट के केस में सेल्फिंग है, और एनिमल के रिस्पेक्ट में अपन कह सकते हैं कि ब्रीडिंग है। बिल्कुल, अब बच्चा क्या करेगा, ये सही है, ये सही है, ऑप्शन वन एंड थ्री दे रखा है, इसको टिक करता है, सिल्ली मिस्टेक हो जाएगी भैया। ओड वन पूछ रखा है, ओड वन पूछ, तो ये तो इन दोनों से रिलेटेड ही है, ट्रू ब्रीडिंग से ही है, लेकिन रिलेटेड कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर टू, तो सेकंड ओड वन हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसेसिव ट्रेट इन एडिबल पी। रिसेसिव की अगर बात करें तो एक्सियल डोमिनेंट था, टर्मिनल रिसेसिव है, ठीक है। और फुल डोमिनेंट था, कॉन्स्ट्रिक्टेड रिसेसिव है। येलो सीड कलर ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट, ये डोमिनेंट कहलाता है, इसका रिसेसिव फॉर्म जो है वो ग्रीन बन जाती है, तो आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है, अपने से नॉट ए रिसेसिव पूछा है, नॉट ए रिसेसिव का मतलब डोमिनेंट ही पूछा है, और ये वाला येलो कोड है, ये रिसेसिव, ये नो डाउट अपने आप में रिसेसिव है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के दौरान काफी एक्सप्लेन इसको कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज। तो पेरेंट्स से जो प्रोजेनी है वो डिफर कर रहे हैं, और ये जो है वो वेरिएशन की वजह से, वेरिएशन। इसके लिए आपको एक और चीज याद रखनी है, पेरेंट्स से प्रोजेनी डिफर हो जाओ, या दो प्रोजेनी आपस में डिफरेंस शो करती हैं, वो भी क्या कहलाता है, वेरिएशन, वो भी वेरिएशन कहलाता है। अब यहाँ पर यतेंद्र सर दो बातें और बहुत अच्छी दे रखी हैं, एक हेरिडिटी और एक इनहेरिटेंस। हेरिडिटी का तो मतलब है पेरेंट्स से प्रोजेनी में करेक्टर के ट्रांसमिशन की बात करेंगे, लेकिन ये करेक्टर का ट्रांसमिशन किस प्रोसेस के द्वारा हो रहा है वो प्रोसेस एक्सप्लेन किया जाता है, किसके द्वारा, इनहेरिटेंस के द्वारा। तो प्रोसेस को जो बताएगा वो तो इनहेरिटेंस है, और केवल पेरेंट्स से प्रोजेनी में करेक्टर जाने की बात करें तो ये हेरिडिटी का फिनोमेना कह सकते हैं। बिल्कुल, ये फिनोमेना बन जाएगा, क्यों, और एनसीईआरटी ने ये भी लिखा कि ये जो है ये इसका बेसिस है, हेरिडिटी का बेसिस इनहेरिटेंस बनता है, क्योंकि हेरिडिटी को समझा कौन रहा है, किस तरीके से ये करेक्टर्स जो है ये पेरेंट्स से प्रोजेनी में पहुंचे हैं वो एक्सप्लेन इनहेरिटेंस ही कर रहा है,
और इनकी जो स्टडी होती है वो जेनेटिक्स हो जाएगा। अरे ठीक भाई चले आगे, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। मेंडल सेलेक्ट पाइसम सेटाइवम फॉर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट बिकॉज, ऐसा क्यों जी? क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर एंड शॉर्टर लाइफ स्पान। शॉर्टर लाइफ स्पान अगर पाया जाता है इसका मतलब जल्दी रिजल्ट जल्दी मिलेगा, प्रोजेनी ज्यादा आएंगी, ठीक है। और क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर भी देखे जा रहे थे, मतलब हर करेक्टर के दो ट्रेड देखे जा रहे हैं, 14 ट्रू वैरायटी। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। तो ये मेंडल ने इसको सिलेक्ट किया उसके लिए बिल्कुल परफेक्टली जा रहा है, यानी इन वैज्ञानिकों ने, जैसे अगर आप आगे अपन मॉर्गन की भी बात करें, जी जितने भी एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने किए हैं और जिस मॉडल ऑर्गेनिज्म को ये यूज करते हैं, वो भी प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, तो उसमें लाइफ स्पेन को कम लिया है, छोटा लिया है कि लाइफ स्पेन छोटा हो ताकि अगली जनरेशन जल्दी मिले, इंतजार नहीं करना पड़े, वेट नहीं करना पड़े। बिल्कुल। और ये तो यतिन सर मानव की प्रवृत्ति में भी है, जैसे इन बच्चों को आप गुरु नीति का इंतजार रहता है, नो डाउट। हम एक दिन में जो है वो आपको जूलॉजी के दो वीडियो किसी तरीके से नहीं दे सकते, दे देते अगर पहले आपको शेड्यूल नहीं दिया होता, और अगर दे भी देते तो जैसे बॉस ने भी बोला था कल लाइव में कि ये एक साथ देख भी नहीं सकते। यस, एक साथ देख भी नहीं पाओगे, आप रिजल्ट हो जाओगे। चलो आगे चलते हैं। लॉन्ग लाइफ स्पान, नहीं भैया यहाँ शॉर्टर की बात कर रहा है, यहाँ लॉन्ग की बात कर रहा है, ये बात तो गलत होगी। और ये क्या पूछा है, मेंडल क्यों क्यों किया ना? बिकॉज तो पहला ही करेक्ट चला जाएगा, अभी देख लेते हैं। फिर भी प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल नहीं बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं, मेल और फीमेल दोनों सेक्सेस में पाए जाते हैं। ईमेस्कुलेशन भी किया था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के दौरान, और उसमें सुनील जी जैसे दोनों ही प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर वाले हैं, जी तो एक को एज ए फीमेल प्लांट यूज किया, बिल्कुल, और एक को एज ए मेल, और जिसको एज ए फीमेल प्लांट यूज किया जा रहा है उसमें से रिमूव कर दिया, उस प्लांट के फ्लावर से एंथर को रिमूव किया, एंथर को रिमूव कर दिया, फिनोमिना ईमेस्कुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट, इनफर्टाइल हाइब्रिड, हाइब्रिड इनफर्टाइल कहां बनते हैं, फर्टाइल हाइब्रिड होते हैं यहां पर, ठीक है। एंड प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सीड बाय ईच प्लांट, ये बात तो ठीक है, लार्ज नंबर लेकिन वहां गड़बड़ हो, ये इनफर्टाइल दे दिया, ये गलत हो गया, तो आंसर अपना फर्स्ट चला जाएगा, ठीक भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जी सर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट ऑफ गार्डन पी इज प्रेजेंट ऑन 5th क्रोमोसोम, जैसे अपन ने स्टार्टिंग में इनको बता दिया था, तो जो आपका पॉड का कलर, पॉड का जो कलर जी, वो 5th के ऊपर आपका याद बच्चों को रखना, बिल्कुल। स्टेम हाइट है, ये आपका 4th से रिलेटेड हो गया, ठीक है। सीड शेप वाला जो है वो 7th वाला, ये 7th से हो गया, और पॉड शेप जो है वो 4th पे हो गया, 4th वाला 4th क्रोमोसोम पे हो जाएगा। तो ये स्टार्टिंग में ही आपको मेंशन करवा दिया था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट इनकरेक्ट वन, किसके रेस्पेक्ट में, रेसिप्रोकल क्रॉस के रेस्पेक्ट में बताना है। अब रेसिप्रोकल क्रॉस अगर बच्चों को बताएं तो ये सर, ये जैसे कोई ए पेरेंट है, ये बी पेरेंट है, ठीक है, ये फर्स्ट क्रॉस है, यहाँ पर सेकंड क्रॉस है, ओके। अब फर्स्ट क्रॉस के दौरान ए को अपन फीमेल मान ले, बी को अपन मेल मान ले, सेकंड क्रॉस में ए को अपन मेल मान ले और बी को फीमेल मान ले, तो ये जो दोनों क्रॉस है ये आपस में क्या बन गए, ये रेसिप्रोकल क्रॉस बन गए, जहां पर सोर्स ऑफ गैमेट बदल जाता है। पहले क्रॉस में एग का सोर्स ए है लेकिन स्पर्म का सोर्स बी है, ऐसे ही दूसरे क्रॉस में स्पर्म का सोर्स ए बन गया, एग का सोर्स बी बन गया, जहां पर सोर्स ऑफ गैमेट बदल जाता है वो क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल। यानी इसमें जीनोटाइप तो नहीं चेंज हो रहा है ना? हाँ, जीनोटाइप तो वही, जीनोटाइप सेम रहेगा, सोर्स ऑफ गैमेट चेंज, सोर्स ऑफ गैमेट चेंज। इसको जैसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हो रही है या नहीं हो रही है उसका पता करने के लिए भी किया जा सकता है भाई। अगर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है तो बच्चे जानते हैं वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस है, बिल्कुल, और उसको कंट्रोल करने वाले जो जीन है वो साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट में हो सकते हैं, प्लास्टिड जीन जिनको बोलते हैं, और मान लो वो इनहेरिटेंस जो है साइटोप्लाज्मिक है तो वो यूनिपेरेंटल है, बिल्कुल, और वो फीमेल से प्रोजेनी में जा रही है जी। पर अगर हम लोग सोर्स ऑफ गैमेट चेंज करते हैं और अगर रिजल्ट चेंज हो जाए, इसका मतलब कंफर्म हो जाएगा कि ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस की बात हो रही है, और अगर रिजल्ट वही है तो इसका मतलब वो न्यूक्लियर है, वो न्यूक्लियर हो जाएगा फिर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो यतिंद्र सर ने यहाँ पर ये जो बात बताई है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज फ्रेम कर देता हूँ आपके लिए, कि एक ए प्लांट है, वो ए प्लांट मेल स्टेरिलिटी शो कर रहा है, और मेल स्टेरिलिटी की जो जीन है वो माइटोकॉन्ड्रियल होती है, ठीक है जी। तो ए प्लांट मेल स्टेरिलिटी शो कर रहा है तो दो क्रॉस यहाँ पर करवाए गए, बताइए फर्स्ट क्रॉस में मेल स्टेरिलिटी आगे पहुंचेगी या सेकंड क्रॉस में मेल स्टेरिलिटी आगे पहुंचेगी। ए प्लांट में पाई जा रही है मेल स्टेरिलिटी, इसका मतलब है फीमेल का साइटोप्लाज्म आगे जाएगा, इसका मतलब फर्स्ट वाला जो क्रॉस है
उसके रिजल्टेंट बनने वाली जो प्रोजेनी है उसमें मेल स्टेरिलिटी आगे पहुंच जाएगी। मतलब इस ए से जाएगी, इसे इसे इसके प्रोजेनी जो होंगे वो मेल स्टाइल होगी। अगर सोर्स ऑफ गैमेट चेंज कर दिया एग्जैक्टली, इस बार जो मेल स्टेरिलिटी है वो इससे जाएगी। सही कहा आपने, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन क्वेश्चन ने अपने को पहले ही बोल दिया था कि ए जो प्लांट है वही मेल स्टेरिलिटी शो करता है। इसका मतलब है ए का यहाँ पर ये क्या आ गया, ये मेल आ गया। इसका मतलब अगर ये मेल स्टेरिलिटी शो कर रहा है सेकंड क्रॉस में तो ये आगे इनहेरिट नहीं होगा फिर से। क्यों भाई? वही ध्यान रखना कि रिजल्ट चेंज होगा या एग्जैक्ट क्यों। बिल्कुल, तो नो वेदर द एलील आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम या ऑटोसोम के ऊपर पाए जा रहे हैं, अपने को तो इनकरेक्ट देखना है। ये तो परफेक्ट हो जाएगा, ये परफेक्ट है, ठीक है। It is made to eliminate the effect of nuclear trait. नहीं, इसका ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल, reciprocal से तो अपन ये जरूर पता कर सकते हैं कि extra nuclear inheritance है या नहीं है। जी, तो आंसर भी यही चला जाएगा। Odd one पूछ रहा है। Two individual with contrast genotype are involved. दो individual हैं। बिल्कुल, genotype अलग-अलग होंगे। Result are not changed for the autosomal trait. Autosomal trait की अगर बात करें। Autosomal trait मतलब nuclear gene. Nuclear gene. ठीक बात है, तो वो इनहेरिटेंस जो है वो सोर्स ऑफ गैमेट यहाँ पर बदल दो, चाहे फिर कुछ भी चेंज नहीं होना है न्यूक्लियर जीन के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे जो मेंडल के वर्क के रेस्पेक्ट में पूछा है कि उनका जो वर्क था वो 1865 में पब्लिश हुआ था। जी जी जी, और फिर भी लोगों तक नहीं पहुंच पाया 1900 तक। बिल्कुल, और क्यों ऐसा क्यों हुआ है ना, वही अपने देखना। जैसे एनसीईआरटी के ये स्टेटमेंट, बिल्कुल ये देखते हैं, ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर। बिल्कुल सही, बिल्कुल, क्योंकि 1900 के बाद ही माइक्रोस्कोप वगैरह इवॉल्व हुए। हाँ, उसके बाद ही एलील की बात आई, जीन की बात हुई, उससे पहले तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक बात है। फिर हिज कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर एज स्टेबल डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल्ड द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट डिड नॉट फाइंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम द कंटेंपरेरीज। बिल्कुल सही, ये भी एनसीईआरटी के। तो इसके साथ के जो वैज्ञानिक थे, उन सात के वैज्ञानिकों ने, इन्होंने मेंडल ने जब भी अपने एक्सपेरिमेंट उनको दिखाए तो वो इस चीज को समझ ही नहीं पाए कि ये किस फैक्टर की बात कर रहे हैं, कौन सी स्टेबल या डिस्क्रीट यूनिट की बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था ना, डिस्कवरी नहीं हुआ था, ये तो एक हाइपोथेटिकल बात होगी। हाइपोथेटिकल बात, एग्जैक्टली, ठीक है। फिर जो तीसरा है, मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना वाज टोटली ओल्ड की जगह न्यू होना चाहिए, न्यू होना चाहिए, इसलिए ये वाला गड़बड़। बिल्कुल बिल्कुल, और उस टाइम कम्युनिकेशन भी इतना अच्छा नहीं था, तो हम कह सकते हैं कि ए बी और डी जी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। ए बी एंड डी, डी इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी चीज और आपको याद रख लेनी है, सारे स्टेटमेंट आ गए। 1822 जो है ये इनका डेट ऑफ बर्थ कहलाता है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने स्कूली शिक्षा अपने वही गाँव से ही प्राप्त की जहाँ पे इनका बर्थ हुआ था, सिलिसियन विलेज, ठीक है। इसके बाद ये 1843 में जो है, ये 1843 में कहां आ गए, ऑस्ट्रिया आ गए, वहां पे इन्होंने एक चर्च ज्वाइन कर दिया, ठीक है जी। अब उस चर्च में ही लगातार 4 साल काम करते रहे। 1847 में वहां पर ये प्रिस्ट के पद पर आ जाते हैं, पादरी के पद पर आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ 4 साल काम करने के बाद 1851 में ये फिजिक्स और बॉटनी पढ़ने के लिए जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ वियना पहुंचते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में फिर अध्ययनरत होने के बाद ये 1954 में वापस लौट कर आते हैं अपनी उसी मोनेस्ट्री में, ठीक है, जहां पर इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाए थे। और उसके बाद इन्होंने वहां पर टीचिंग एज ए टीचर की तरह भी काम किया था, ठीक है जी। तो लोगों की नजर में ये क्या हुए, ये स्टार्टिंग में एक विद्यार्थी बने रहे, उसके बाद में ये एक पादरी बने, उसके बाद में ये एक अध्यापक बन गए, उसके बाद में खुद एक स्कॉलर की तरह पढ़ने चले गए, उसके बाद ये एक वैज्ञानिक की तरह भी एक्ट करने लग गए। तो जब भी अपनी खोज लोगों को बताई तो लोग समझ ही नहीं पाए कि ये आदमी है क्या, ये मास्टर है या फिर ये वैज्ञानिक है या विद्यार्थी है, क्या है। इनका जो काम था वो समय से काफी आगे था, समय से काफी आगे था, और समय से काफी आगे था। उसका एग्जांपल ये दिन सर ये हो गया ना कि ये अन्य बायोलॉजिस्ट को ले जाकर दिखा रहे हैं ये ऐसी मैथमेटिक्स होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये रिजल्ट बनता है। तो भैया बायोलॉजी वाले को मैथमेटिक्स आप दिखाओगे, उनके हाँ उनके पक्ष नहीं पाई बायो में मैथ की बात। बिल्कुल, तो बायो वाले को अगर मैथमेटिक्स की बात करोगे तो तोते तो उड़ने थे ना। और सबसे बड़ी बात है, चलो इनके दोस्त भी लोग अच्छे थे, वैज्ञानिक अच्छे थे, वो इनकी बात सुन भी लेते हैं, लेकिन उस समय के वैज्ञानिक कहाँ इन्वॉल्व थे, डार्विन, 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 डार्विन फेमस था। बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्होंने जो खोज की थी उसमें ये ओरिजिन ऑफ लाइफ जो था उसमें नेचुरल सिलेक्शन वाला, नेचुरल सिलेक्शन वाला वहां पर ये भी थी, डार्विन फेमस था, तो सारे सब लोगों को जान उस तरह। एग्जैक्टली, उसके बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाए, वो ईयर आपको याद रखना है सबसे इम्पोर्टेंट, तो वही 1856 से 1863। उसके बाद इन्होंने एक मीटिंग में अपनी जितनी भी ये
खोज थी, इन खोज को पढ़ा और 1865 में इसको पब्लिश भी करवाया गया और उसके बाद में अनरिकॉग्निशन टू हिज वर्क, बिना अपने काम को पहचान दिलाए इनकी मृत्यु हो जाती है। और ऐसा कब? 1883 के दौरान जो है इनकी डेथ हो जाती है, इन्फेक्शन हो गया, ब्लैक यूरिन डिजीज। पहले आरपीएमटी में ये भी पूछते थे कि इनकी मृत्यु किसके कारण हुई, उसके 17 साल बाद इनके काम को भैया किसी ने नहीं छेड़ा, उसके 17 साल बाद रीडिस्कवरी हुई मेंडेलिज्म की। तीन वैज्ञानिक और वो आपको याद रखना है, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी व्रीज और वर्न सेनमार्क। ये आपको 1900 से पहले इनकी मौत हो। बिल्कुल, अब बात आती है कि वो रीडिस्कवरी क्यों कर पाए, तो उसका एक बेनिफिट ये मिला उनको कि इन्होंने अपने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे ना उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखा था। बिल्कुल, यानी इनकी सक्सेस का एक कारण ये भी था कि इन्होंने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया था। और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को करने के लिए डेटा को उन्होंने मैथमेटिकल टूल्स को यूज किया था। बिल्कुल ठीक बात है, स्टैटिक्स वगैरह Yes. वो भी इनको काफी सक्सेस मिल पाई। बिल्कुल बिल्कुल, तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी भी इन्होंने काम में लिया है, तो उसकी वजह से जो भी रिजल्ट आ रहे थे उसको ये लगभग मान लिया करते हैं। जैसे अपन 1:3:1 रेशियो की बात करते हैं, वो एक्चुअल में रेशियो 2.81:1 ही आया था, तो इन्होंने मान लिया हाँ भाई लगभग ऐसा होता होगा, 2.813 में कन्वर्ट हो जाता होगा। तो चले, ये तो बहुत सारी हिस्ट्री है, सैंपल साइज काफी बड़ा था, 10,000 के लगभग जो है, इसको फिर कैलकुलेटिव वे में मैथमेटिकल अप्रोच से किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सैंपल साइज बड़ा था तभी इनको प्रॉपर रिजल्ट का पता लगा। जी जी जी, छोटा सैंपल साइज हो तो प्रॉपर रिजल्ट कंफर्म नहीं होता। एग्जैक्टली, तो नो डाउट एक पिक्चर बनाई जा सकती है जो अपने सम्माननीय मेंडल हैं उनके ऊपर, काफी इंटरेस्टिंग है। चले आगे, जिसने बनाई ग्रेगर जॉन मेंडल कंडक्ट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, बहुत बार बात कर ली है, 2018 नीट का क्वेश्चन है भैया, 7 साल तक किया, 1856 से 1863। चले आगे, नेक्स्ट। जी सर, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और हमें जो है मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो है उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, और अपने को करेक्ट ऑप्शन देखना है, ठीक है। सबसे पहला है मेंडल एक्सपेरिमेंट हेड स्मॉल सैंपल साइज, मीन लार्ज सैंपल साइज। नेक्स्ट, इसका मतलब ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है ए ट्रू ब्रीडिंग लाइन शो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन, सही बात है। फिर थर्ड है इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, ओके, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट ओवर द अदर, जैसे अपन हाइट के रेस्पेक्ट में, एग्जैक्टली ये चीज मैं भी लिखने वाला था, या कोई और भी हो सकता है। बिल्कुल, जब भी ये मोनोहाइब्रिड की बात आती है वही एग्जांपल सामने आता है, अपन राउंड की ग्रीन की ऐसी कोई बात नहीं करते, सबसे पहला प्रयोग ही मेंडल का यही था भैया, ठीक है। अब हम तो फॉलोवर हैं मेंडल के, आप भी फॉलोवर हैं साहब उनके, तो इसका मतलब ये भी सही हो गया, ठीक है। फिर ए रिसेसिव पेरेंट ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन इट्स नॉन हेटरो, लिख दिया ना हेटरो, होमोजाइगस। बिल्कुल, अगर इस ट्रेट को एक्सप्रेस होना है ना तो जरूरी है ये होमोजाइगस फॉर्म में ही होना चाहिए। हाँ, डोमिनेंट कैरेक्टर अगर है तो वो हेट्रो में भी हो सकता है, हेट्रो में भी और होमोजाइगस। बिल्कुल, डोमिनेंट ये भी टोल है और डोमिनेंट ये भी टोल है, हेट्रो में भी एक्सप्रेस हो रहा है होमो में भी, लेकिन रिसेसिव केवल और केवल होमो में एक्सप्रेस होगा। जी सर, बिल्कुल, तो ये वाला भी गड़बड़ हो गया, ठीक है। टू एलील ऑफ ए जीन आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। बिल्कुल सही कहा भाई, हमारे अंदर 44 ऑटोसोम है, 22 पेयर, इसमें जैसे अपन फर्स्ट क्रोमोसोम पेयर की बात कर ले होमोलोगस की, एक पैटर्नल है और एक मैटर्नल है, इसी तरीके से बाकी के भी, ठीक बात है। मान लो उस फर्स्ट पैटर्नल पे कोई एक किसी पर्टिकुलर लोकस के ऊपर कोई जीन है तो वैसा का वैसा उसी लोकस पे मैटर्नल पे भी होगा, ठीक बात, ठीक वही बात उसका उन्हीं को एलील अपन कह देते हैं, क्योंकि ऑटोसोम के ऊपर जो जीन पाई जाती है उनमें डिफरेंसेस नहीं देखा जाता है मेल और फीमेल के रेस्पेक्ट में, क्यों, और ये जो डिफरेंसेस आएंगे ये एक्चुअल में डिफरेंशियल रीजन जो बनेगा सेक्स क्रोमोसोम का, उस डिफरेंशियल रीजन पर इन जीन की प्रेजेंस देखी जाती है। जैसे होलेंड्रिक जीन की अपन बात कर लेते हैं, केवल वाई पे, केवल वाई पे पाई जाती है, क्यों। तो अपने को करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट अपना यतेंद्र सर चला जाएगा, पहला गलत है और चौथा गलत है, तो 1, 3, 5 और 1, 3, 5 ऑप्शन कौन सा चला गया, ऑप्शन नंबर करेक्ट पूछ रहा था क्या, हाँ वो देखो आपने गोला भी लगाया, करेक्ट में अपने का अपना कौन सा हो गया, एक तो सेकंड, एक मिनट सॉरी, सेकंड, सेकंड और थर्ड, थर्ड और फिफ्थ, और फिफ्थ, सेकंड थर्ड फिफ्थ का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, ओके क्यों। चलो क्वेश्चन नंबर 11, टेस्ट क्रॉस इज ए क्रॉस बिटवीन, हाँ जी यहाँ पर एक चीज याद रखना, टेस्ट क्रॉस से पहले मैं बैक क्रॉस के बारे में बात कर देता हूँ आपको, क्यों। तो ये थे सर, अगर ये क्रॉस करवाया जाता है जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी करवाया था, तो F1 जो अपने को ऑब्टेंड हुआ वो F1 ये वाला आ गया जी। अब ये जो F1 है
इस F1 को आइदर ऑफ दी पेरेंट से क्रॉस करवाया जाता है, ये क्या कहलाता है? बैक क्रॉस कहलाता है। बैक का मतलब है F1 आ गया, उसके पीछे के जो पेरेंट्स हैं उनसे ही वापस से इसकी क्रॉसिंग, ह्यूमन के केस में नहीं, ऐसा प्लांट के केस में देखने को मिलता है। और अगर F1 हाइब्रिड का क्रॉस रिसेसिव डबल रिसेसिव से करवाया जाता है, ये तो क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस, ये टेस्ट क्रॉस कहलाता है। और अगर F1 का क्रॉस किससे करवा दिया? डोमिनेंट पेरेंट के साथ में, ये तो ये आउट क्रॉस, तो ये आउट क्रॉस बन जाएगा। तो आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस आर टू टाइप ऑफ बैक क्रॉस। बैक क्रॉस बिल्कुल सही है, तो ये दोनों ही बैक क्रॉस हो गए। और यहां पे ये जो F1 प्रोजेनी आई है, अब इसका फिनोटाइप तो कोई डोमिनेंट वाला है इसकी तरह, लेकिन जैसे हाइट के रेस्पेक्ट में बात कर लें कि ये इसकी तरह टॉल है, लेकिन ये टॉल किस वजह से, क्योंकि फिजिकली देख के तो बता नहीं सकते। ठीक बात है। अब ये टॉल होमोजाइगस डोमिनेंट की वजह से भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की वजह से भी हो सकता है। बिल्कुल। तो इस का जो जीनोटाइप है वो क्या है? बिल्कुल। तो उसके जीनोटाइप को फाइंड आउट करने के लिए इसका बैक क्रॉस किया जाता है, जिसको टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। और अगर ये हेट्रोजाइगस है तो रेशियो जो है वो 1:1 आ जाएगा, और अगर होमोजाइगस है तो सारे के सारे कैसे आ जाएंगे? टॉल आ जाएंगे फिर, क्योंकि अगर ये होमोजाइगस होता, इसका मतलब है ये क्रॉस अगर करवाता मैं, तो सारे के सारे फिर मेरे को क्या मिलने थे? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला जो केस मिला यही मिलने थे। तो 100% अगर डोमिनेंट आते हैं, इसका मतलब अननोन जीनोटाइप वाला इंडिविजुअल कैसा रहा था? होमोजाइगस डोमिनेंट। और अगर रेशियो 1:1 आ जाता है, जो यतिन सर ने अभी कर आपको बताया है, तो ये रेशियो क्या इंडिकेट करता है? कि अननोन जीनोटाइप वाला इंडिविजुअल कैसा रहा होगा? हेटरोजाइगस कैसा होगा? अच्छा, ये जैसे मोनो हाइब्रिड के लिए हो गया, इसी को अपन डाई हाइब्रिड के रेस्पेक्ट में बता सकते हैं। बिल्कुल। कि जैसे अपन वो येलो कलर के रेस्पेक्ट में अगर ले लें, ठीक है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, इसी को क्रॉस करा देंगे तो 1:1 हो जाएगा। क्यों? बिल्कुल। और एक और चीज याद रखें, मोनो हाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1 आता है, डाई हाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1:1 आता है। और अगर ये तीन सर यहाँ लिंकेज पाया गया होता, तो फिर जो डाई हाइब्रिड के रेशियो है वो मोनो हाइब्रिड के जैसे बिहेव करते हैं। अगर लिंकेज पाया जाता तब की बात है, तो लिंकेज अगर पाया जाता इन जीन में, तो फिर ऐसा ये डाई हाइब्रिड का ये जो टेस्ट क्रॉस यहाँ पर करवाया गया है, उसका फिर टेस्ट क्रॉस रेशियो कितना आता है? 1:1 आता। एक ही चीज याद रखनी है, अगर लिंकेज पाया जा रहा है तो डाई हाइब्रिड के जो टेस्ट क्रॉस रेशियो आएंगे वो मोनो हाइब्रिड के जैसे, डाई हाइब्रिड का जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा वो मोनो हाइब्रिड के जैसा, डाई हाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो आएगा लिंकेज की वजह से वो किसमें हो जाएगा? मोनो हाइब्रिड के जैसा। बाकी जब अपन लिंकेज डिस्कस करेंगे तो ये चीज और इनकी क्लियर, बिल्कुल आगे आ जाएगी। तो आपने को टेस्ट क्रॉस की बात करनी है, टेस्ट क्रॉस का मतलब हाइब्रिड का रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉसिंग करवाना है। क्यों? और आइदर कोई भी पेरेंट हो सकता है, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी, लेकिन रिसेसिव होना चाहिए, रिसेसिव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जी सर। ओके, तो ये पनेट स्क्वायर के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है कि इन्होंने डेवलप किया, तो सीधा बच्चे इसको याद रख सकते हैं। तो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है इसको, तो याद रखना है भैया, ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट हैं कौन? रेगिनाल्ड सी पुन्ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ए कॉमन टेस्ट टू फाइंड जीनोटाइप ऑफ ए हाइब्रिड। अभी बैक क्रॉस में टेस्ट क्रॉस, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इन्होंने इस क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज मिस्टेक रखी है। एक टेस्ट क्रॉस टू फाइंड जीनोटाइप ऑफ ए हाइब्रिड, ये एक्चुअल में होना चाहिए था कि अननोन जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल का जीनोटाइप अपने को पता चलना है, तो उसके लिए क्या किया जाता है? टेस्ट क्रॉस किया जाता है। बाकी यहां पे बच्चे अंडरस्टूड समझ सकते हैं कि हाइब्रिड मतलब F1 की बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्रॉसिंग ऑफ 1 F1 प्रोजेनी विद मेल पेरेंट, अब मेल पेरेंट भी हो सकता है वो फीमेल भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं, आप ये जाना पड़ेगा। क्रॉसिंग ऑफ 1 F2 प्रोजेनी विद मेल पेरेंट, अब F2 में तो काफी सारी है। हाँ, F2 में तो F, जैसे F2 में तो ये भी F2 है, F2 में तो ये भी F2 है, दो बने थे, F2 में तो ये भी F2 है, इसलिए ये तो मतलब ही नहीं है, तो F2 के रेस्पेक्ट में तो नहीं जाएगा। स्टडी द सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ F1 प्रोजेनी, इसके बिहेवियर को देखने के लिए इस प्रकार का कोई क्रॉस नहीं है, तो फिर अपने को ये जो मेल पेरेंट यहाँ पर लिया गया है ना, इसको अपने को क्या अज्यूम करना है? ये रिसेसिव पेरेंट है। जी जी, मतलब आइदर पेरेंट अगर कोई एक दे दिया तो इसका मतलब वो डबल रिसेसिव, वो मानना पड़ेगा आपको, तो करेक्ट ऑप्शन 1 चला जाएगा। जी क्यों? जी। नेक्स्ट 14, ओके, टू क्रॉसेस बिटवीन द सेम पेयर ऑफ जीनोटाइप और फिनोटाइप इन विच द सोर्स ऑफ गैमेट आर रिवर्स इन 1 क्रॉस, अभी अभी पीछे भी बात हो चुके थे, और ये जो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का पता लगाने के लिए रेसिप्रोकल क्रॉस हो जाएगा। एग्जैक्टली, तो आंसर 7 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जीन फॉर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट आर जनरली लोकेटेड इन, वैसे तो ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आगे चलकर आपको क्वेश्चन के थ्रू ही, क्वेश्चन के माध्यम से बताया भी जाएगा, आगे अच्छे टॉपिक आएंगे, बिल्कुल, लेकिन ये यहाँ पर फिर भी आपको बता दिया गया, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो ये साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी की जीन कहाँ पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है। मतलब सुनील जी,
साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है फीमेल के अंदर जी, और उसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई जीन है रिसेसिव फॉर्म में, और वो एग के साथ जब मूव करता है और पोलन ग्रेन से फर्टिलाइज जी जी जी, उससे जो जायगोट और बाद में उससे जो मेल प्लांट बनता है वहां पे ये स्टेरिलिटी आएगी, उसमें स्टेरिलिटी आएगी, उसमें स्टेरिलिटी आएगी, बिल्कुल ठीक है आपने। मतलब कुछ करेक्टर दे दिए और हमें उन चार क्रोमोसोम में पता करना कि ये बिल्कुल बिल्कुल कितने से लेके बिल्कुल, तो स्टेम हाइट ये केंद्र सर, तो स्टेम फोर्थ, फ्लावर कलर की अगर बात करें तो ये पहले पे हो जाएगा, पॉड की शेप की अगर बात करें तो फोर्थ पर हो जाएगा, फ्लोवर पोजीशन की अगर बात करें फोर्थ पर हो जाएगा। इसका मतलब अपना तो क्रोमोसोम चौथा और पहला ही आ रहा है, तो दो क्रोमोसोम, दो ही क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम का मतलब ऑप्शन नंबर वन अपना करेक्ट चला जाएगा। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी ट्यूब ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी वर सिलेक्टेड बाय मेंडल। अब यहाँ पर डायरेक्ट पूछ रहा है ना तो जोड़े की बात कर रहा है और डायरेक्ट पूछ रहा है, इसका मतलब अपने को 14 बताना है, ठीक है। पेयर की अगर बात करता तो 7 पेयर की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जी सर, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज, है ना, तो यहाँ पे जैसे हेरिडिटी और इनहेरिटेंस दोनों को एक साथ दे दिया है जी, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो फिनोमेना है जो इस प्रोसेस से हो रहा है बिल्कुल, तो इस रेस्पेक्ट में अपन लोग जो है वो यहाँ पे बिल्कुल, तो इन्होंने कहीं भी नहीं बोला प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक, अगर ये बोल देता तो फिर अपना आंसर इनहेरिटेंस ले जाता या मैकेनिज्म की बात कर, मैकेनिज्म की बात कर लेता। ये तो सिंपली कह रहा है कि पेरेंट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग में जो है वो करेक्टर की इनहेरिटेंस देखी जा रही है भैया, और ये करेक्टर का ट्रांसमिशन ये क्या कह रहा था, ये हेरिडिटी कह रहा था। क्यों? ये तो सिर्फ ब्लेंडिंग दे रखा है यहाँ पर, एक सम्मिश्रण मतलब जैसे मिक्सिंग ऑफ, जैसे कोई एक पोल है और एक ड्वार्फ है ना, जैसे आगे चलकर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बताएंगे इनको ब्लेंडिंग। और फिर भी यहाँ पे अपन जैसे अगर देखें कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जी दो प्योर वैरायटी है एक करेक्टर के लिए, एक टॉल और एक ड्वार्फ है, उनमें क्रॉस से जो एफ वन आया जो कि टॉल ही है, हालांकि वो हाइब्रिड है क्योंकि अपन ने इनिशियल पेरेंट्स वो प्योर लिए हैं, तो अब जो एफ वन है उसमें फिर सेल्फिंग की, तो उसमें जो एफ टू आया तो उसके अंदर फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आ गया, बिल्कुल, और वो 3:1 जो आया उसमें वन जो है वो फिर ड्वार्फ है, इसका मतलब जो वन फिर ड्वार्फ आया उसकी मिक्सिंग एफ वन में हुई, वो जीन वैसे के वैसे हैं बिल्कुल। तो जो रिजल्ट बनेंगे इसके मोनो हाइब्रिड के, उसमें ये बात भी कही जाती है कि ये जो एलील आई है ना आइदर ऑफ द पेरेंट्स से, ये ब्लेंड नहीं होती है, मतलब ये आपस में मिक्सिंग नहीं करती है, अगर ये मिक्स कर जाती तो नो डाउट यहाँ पर ये अपने को देखने को नहीं मिलता फिर जी भाई। जीन जो सबसे छोटी यूनिट है कह सकते हैं, उन्हीं का एक ऑर्डर मिलकर के वो डीएनए बना लेता है, ठीक बात है, और डीएनए जो है वो कुछ हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर के क्रोमेटिन की फॉर्म में बनता है, मतलब क्रोमेटिन में तो हिस्टोन और डीएनए मिलकर बनाता है और फिर वो क्रोमोसोम में अरेंज हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, और क्रोमोसोम में उस क्रोमेटिन की नॉन हिस्टोन प्रोटीन है भी करते हैं पैकेजिंग, नो डाउट। ये जो बात यतेंद्र सर बता रहे हैं ये और भी बेटर एक्सप्लेन करेंगे हमारे सर्वेश सर, जी क्यों, तो सर्वेश सर का डिपार्टमेंट है ये, तो मुगरे। और फिर एक चीज और बता दें, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है तो उस होमोलोगस क्रोमोसोम में एक पैटर्नल हो गए और एक मैटर्नल कहला गया, और उसकी कोई पर्टिकुलर साइट होगी इसके ऊपर कोई जीन है ना, वो डोमिनेंट भी हो सकता है, वो लोकस हो गया, ठीक बात है, तो जो एक जीन के दोनों एलील हैं वो समान लोकस पे होते हैं, सेम लोकस, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, और अगर मल्टीपल एलील भी हैं तब भी लोकस सेम ही रहेगा, क्यों, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों जी, चलें क्वेश्चन नंबर 19, हु कॉइंड द टर्म एलील, डायरेक्ट है बेटसन, याद रखना बच्चों, बस 20 जी सर, ऑल ट्रेट कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ इन हेटेरोजाइगस कंडीशन एक्सेप्ट, इसका मतलब हमें डोमिनेंट देखना है, रिसेसिव देखना है, एक मिनट में, ऑल ट्रेट कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ इन हेटेरोजाइगस एक्सेप्ट, ओके, यानी हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस दोनों के अंदर डोमिनेंट एक्सप्रेस हो सकता है, होमोजाइगस कंडीशन अगर होती है तो डोमिनेंट अगर है तो वो तो होमो में भी है हेटरो में भी है, लेकिन अगर रिसेसिव है तो रिसेसिव केवल होमो में ही होगा, तो अपने को ये देखना कि हेटरोजाइगस कंडीशन किसको छोड़कर, तो अपने को रिसेसिव बताना है, अपने को टॉल डोमिनेंट है, वोलेट डोमिनेंट है, एक्सियल डोमिनेंट है, ब्रिंकल्ड शेड राउंड शेड डोमिनेंट होता है, इसके ऊपर रिंकल के ऊपर आंसर कौन सा चला जाएगा अपना, क्यों, क्योंकि ये केवल होमोजाइगस कंडीशन, ये होमोजाइगस में ही एक्सप्रेस होगा और इसका एक्सप्रेसिव जो फॉर्म बनेगी वो स्मॉल आर कहलाएगी, ठीक है। एक्चुअल में ये जो नोटेशन दिया जाता है
ये डोमिनेंट का जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। जैसे हाइट के अकॉर्डिंग एटीन सर बात कर लें तो इसमें डोमिनेंट टोल बन गया, तो टोल के लिए तो ये बोल दिया अपन ने, और रिसेसिव के लिए इसका स्मॉल फॉर्म कह देंगे। वॉयलेट के लिए जैसे कैपिटल वी बन जाएगा और जो व्हाइट है उसके लिए स्मॉल वी बन जाएगा, क्यों जी? तो इस प्रकार से ये इनका नोटेशन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा बच्चों, इनहेरिटेंस क्या है? वो प्रोसेस है जो किसको डिफाइन कर रहा है, हेरिडिटी को डिफाइन कर रहा है, जिसमें करेक्टर जो है वो पेरेंट से प्रोजेनी में पहुंच रहे हैं। तो प्रोसेस बाय विच करेक्टर आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू दी प्रोजेनी, ठीक है जी? तो करेक्ट ऑप्शन ये चला जाएगा। पर अगर डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर, ये वेरिएशन है, वेरिएशन डिग्री बाय प्रोजेनी सिमिलर टू देयर पेरेंट, नहीं सिमिलरिटी नहीं, वेरिएशन में तो डिफरेंस की बात की जाती है। ट्रू ब्रीडिंग लाइन वो तो कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस उनकी बात आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 जी सर, How many type of phenotype will be produced in a cross involving the genotype? यहाँ पे आप अगर हम लोग देखें तो ये जो genotype है ये बिल्कुल इसकी तरह है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर selfing हो रही है, selfing हो रही है। और यहाँ पे phenotype के respect में अगर देखें तो 2 की power n का formula बच्चों को लगाना है। जब भी selfing होगी जी तब ये फॉर्मूला आपको काम मिलेगा, सेल्फिंग में, सेल्फिंग जिसमें दोनों का फेनोटाइप मतलब जीनोटाइप एक होना चाहिए। एंड हियर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। तो हेटेरोजाइगोट कौन है, यहां पर ब्लैक कलर चेंज कर लेते हैं जी। हेटेरोजाइगोट इतने सर, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तीन हेटेरोजाइगोट हैं। 2 की पावर n बोला है, 2 की पावर 3 बोला है, बोले तो 2 × 2 × 2 दो दुनी 4, 4 दुनी 8, तो कितने आ जाएंगे फिनो, इतने सर 8 आ जाएंगे। और यही अगर गैमेट पूछ ले तो वही 2 की पावर n ही सेम है जी। और यही जीनोटाइप अगर पूछ लेता तो 3 की पावर n हो जाता, यही पॉसिबल पॉसिबिलिटी ऑफ जायगोट कंडीशन अगर पूछ लेता तो 4 की पावर n, गैमेट का स्क्वायर या 4 की पावर n, 4 की पावर n डायरेक्ट याद है जी। क्यों तो इनको बच्चों को एक बार बता दीजिए, इसका आंसर तो अपना वो चला ही गया, बाकी हां एक बार लिख दीजिए जो बच्चे याद नोट कर, सेल्फिंग का केस होना जरूरी है, ठीक है जी। और गैमेट की अगर बात करें, पॉसिबिलिटी ऑफ गैमेट 2 की पावर n, फिनो की अगर बात करें 2 की पावर n जी, जीनो की अगर बात करें 3 की पावर n, और जायगोटिक कंडीशन की अगर बात करें तो गैमेट का स्क्वायर कर दो या डायरेक्ट 4 की पावर n कर दो। हियर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट, ठीक है बच्चों? तो ये अपना इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली सॉल्व आउट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 यानी ये फॉर्मूला जो है वो मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड में बच्चे याद रख सकते हैं, मोनो, बाकी आगे कुछ और फॉर्मूला जाएंगे जो टॉपिक अकॉर्डिंग बता देंगे। सही कहा आपने। नेक्स्ट है हाउ मेनी डिफरेंट क्रोमोसोम, ये सेम ही पैटर्न पर रिपीट हो रहा है फिर भी चलो बता देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। पहले की बात करें यतेंद्र सर, तो पहला तो अपना हो जाएगा स्टेम हाइट, तो फोर्थ दे जी, फ्लावर कलर फर्स्ट, पोड शेप फोर्थ हो जाएगा, पोड कलर फाइव हो जाएगा, फ्लोर की पोजीशन की बात कर रहे हैं तो ये फोर्थ हो जाएगा, मतलब फोर वन थ्री फाइव, तीन क्रोमोसोम का मतलब ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। वो जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इन्फॉर्मेशन बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट 24 जी सर, विच पेरेंटल कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट आउट क्रॉस, ओके मतलब हेटेरोजाइगस को होमोजाइगस डोमिनेंट से, बिल्कुल ठीक बात है। तो हेट्रो का होमोजाइगस डोमिनेंट से क्रॉस ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा, ठीक है। अगर ये तीन सर मैं ऑप्शन नंबर 2 के बारे में आपको वन वर्ड बोलने के लिए बताऊं तो इसके लिए हो जाएगा टेस्ट क्रॉस, ये टेस्ट क्रॉस हो जाएगा, यानी ये दोनों बैक क्रॉस हैं। हाँ बैक क्रॉस के अंदर ये तो हो जाएगा टेस्ट क्रॉस और ये हो जाएगा आउट क्रॉस, बिल्कुल ठीक कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 ओके, इमैस्कुलेशन ऑफ फ्लावर इज डन व्हेन, अभी इमैस्कुलेशन में बाइसेक्सुअल फ्लावर से किसको रिमूव आउट किया जाता है, मेल पार्ट को, एंथर को रिमूव आउट किया जाता है, लेकिन वो रिमूव आउट कब किया जाता है, उसके मैच्योरेशन से पहले किया जाता है, वरना वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाता है, वरना तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकना चाहिए, उसी को रोकना पर्पस है, बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टिग्मा की बात तो करनी नहीं है जी, स्टेमन आर इमैच्योर होते हैं उसी समय इनको रिमूव आउट कर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। नेक्स्ट 26 जी सर, गैमेट्स आर नेवर हाइब्रिड, दिस स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ कि किस लॉ का ये स्टेटमेंट है, इसका मतलब है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बिल्कुल, जिसके दौरान गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं ना जी। अगर यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ से ये तीन सर, जब भी गैमेट बनेगा तो नो डाउट ये गैमेट तो ये बनेगा, उसे गैमेट ये बनेगा, तो ये गैमेट जो है ये कभी भी मिक्सअप नहीं होते हैं, ये कैसे कहलाते हैं, ये कैसे कहलाएंगे, हाइब्रिड फॉर्म जो है, यानी आप कह सकते हैं गैमेट हमेशा प्योर है, गैमेट ऑलवेज प्योर है, ठीक है। और ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बनता है ये विदाउट एनी एक्सेप्शन है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका, अगर मतलब लिंकेज नहीं है, लिंकेज नहीं है तो
ये बात आपको जरूर याद रखनी है। डोमिनेंस हो गया, इसके अलावा सेग्रीगेशन हो गया, तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस से, डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड हो जाएगा। क्यों? हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं जितेंद्र सर। जी, क्वेश्चन नंबर 27। जी, जीन कंट्रोलिंग सेवन ट्रेट इन पी स्टडीड बाय मेंडल वर एक्चुअली लोकेटेड ऑन, कि जो सात करेक्टर की स्टडी की थी उनके जीन कहाँ है, तो अपन ने बता चुके हैं बिल्कुल, चार क्रोमोसोम है, चार क्रोमोसोम है, इनमें कुछ करेक्टर के जीन एक ही क्रोमोसोम पे और कुछ करेक्टर ऐसे भी हैं जो अलग से एक एक क्रोमोसोम पे, अलग से एक, जैसे पांचवे पे और सातवें पे, और पहले पे दो है और चौथा, चौथे पे तीन है, एक से ज्यादा है ना, बिल्कुल। तो आंसर इसका फोर क्रोमोसोम चला जाएगा। नेक्स्ट 28 रहेगा, द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की अगर बात करें तो हॉरेंस के द्वारा डिस्कवर किया गया, आगे आएगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था इसलिए यहां पर डाला है इसको। नेक्स्ट 29, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मेंडल एक्सपेरिमेंट करेक्टर डोमिनेंट रिसेसिव के, फॉर्म ऑफ सीड राउंड और विंटर डोमिनेंट रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, हाइट टॉल एंड वार्प भी डोमिनेंट रिसेसिव है, फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल है, डोमिनेंट रिसेसिव है, पॉड कलर जो है वो ग्रीन येलो होना चाहिए था, ग्रीन और येलो, हां बिल्कुल, तो रिसेसिव डोमिनेंट हो गया, ये रिसेसिव डोमिनेंट हो गया, आंसर भी अपना यही चला जाएगा। नेक्स्ट 30, यूजेनिक्स इज, हां भाई यूजेनिक्स की अगर बात करें तो ह्यूमन रेस का इंप्रूवमेंट है बाय इंप्रूवमेंट इन किसमें, जेनेटिक्स में। जी जी, इसका मतलब कि कोई जेनेटिक डिजीज है तो जी, जैसे जीन थेरेपी कर दी जाए तो उसके अंदर फिर जो है इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। कोई डिजीज है जैसे स्किड डिजीज है, स्किड इसमें एडीए जीन जो उसकी कमी होती है, बिल्कुल बिल्कुल, जीन थेरेपी से जो ह्यूमन का जो मेटाबॉलिक जो भी डिसऑर्डर हुआ है, जैसे सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी जिसमें बी और टी लिम्फोसाइट एग्जैक्टली डेवलप नहीं हो पाती तो वो क्योर हो सकता है। जी जी जी, है ना, तो वैसा ही कुछ इसके अंदर किया गया, बिल्कुल बिल्कुल, तो करेक्ट ऑप्शन अपना फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट चला जाएगा। जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, सेलेक्ट वन वर्ड फॉर स्टेटमेंट, ओके कुछ स्टेटमेंट थे और हमने इसको एक वर्ड के अंदर रिप्रेजेंट करना है। इफ एफ वन रिजेंबल बोथ द पेरेंट, मतलब कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस की बात कर रहे हैं तो ए के लिए को होना चाहिए। जी सर, इफ एफ वन डिड नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट एंड वाज इन बिटवीन द टू, है ना, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये इनकम्प्लीट होना चाहिए, ठीक है। एंड जो सी है, इफ एफ वन रिजेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट, कि किसी में से दो में से कोई एक जैसा हो, इसका मतलब डोमिनेंस है, वो डोमिनेंसी है। जी, तो सी रिप्रेजेंट करेगा डोमिनेंसी। अब पहला कह रहा है सी डोमिनेंसी है, सही है, बी को डोमिनेंस है, बी तो इनकम्प्लीट है, ये गलत है। अगली बात, ए डोमिनेंस है, ए तो को डोमिनेंस है, ये गलत हो गया, बी डोमिनेंस है, बी तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, सी डोमिनेंसी है, ए को डोमिनेंस है और बी जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, तो करेक्ट ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द जीनोटाइप ऑफ फादर एंड चाइल्ड आर, ये बता रखा है, अमंग द ब्लड टाइप ऑफ मदर हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर पॉसिबल, तो सिंपली यतेंद्र सर ये अपन ये मोनो हाइब्रिड की तरह ही इसको ट्रीट करेंगे, यहाँ फादर की बात कर रहे हैं ये और फादर का जीनोटाइप बता रखा है स्मॉल आई और कैपिटल आई ए, सुपरस्क्रिप्ट में ये ए हो जाएगा, बच्चे का बता रखा है आई ए और स्मॉल आई, क्यों ये ना। जी जी, तो अब अपन बात करते हैं कि मदर का कौन कौन सा रहा होगा, चलो अपन माने कि मदर का ए बी, ए बी और ओ, ये रहा होगा, चार, ठीक है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी अभी थोड़ा सा मैं डिटेल में करके बता रहा हूँ, नहीं फिर आगे चलकर डायरेक्ट करेंगे इसको, आई ए आई बी आई ए आई ए, ये कंडीशन और आई ए स्मॉल आई, ये दो जीनो बनते हैं इसके, इसके दो जीनो की अगर बात करें तो आई बी ये बनता है और आई बी स्मॉल आई, ये कंडीशन ये बन जाएगा, इसके लिए आई ए और आई बी ये बन जाएगा, इसके लिए एक ही जीनो बनेगा कौन सा, आई 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 स्मॉल आई स्मॉल आई, I0, I0, ये वाली कंडीशन, क्योंकि जो आई ए और आई बी जो जीन है वो डोमिनेंट है, वाह कोडोमिनेंस शो करेंगी ये दोनों ही एक साथ अगर आती हैं तो आई ए और आई बी आने पर स्मॉल आई वो रिसेसिव, बिल्कुल, तो ब्लड ग्रुप जो है वो कितनी एलील के द्वारा, तीन एलील के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, आई ए के द्वारा, आई बी के द्वारा और स्मॉल, यानी ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलीलिज्म भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोडोमिनेंस भी दिखा रहे हैं और डोमिनेंस भी दिखा रहे हैं, ये नीट में आया हुआ, बिल्कुल नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है जी,
तो अब अपने को देखना है, अगर बच्चे का ये है तो माना कि आई ये यहां से आया होगा जी, तो स्मॉल आई कहां से आ सकता है? यहां से ही आ सकता है। पहले अपन इसका कंफर्म कर लेते हैं, इसमें आ सकता है बिल्कुल, तो ये जीनोटाइप पॉसिबल हो सकता है इसका। चलो मान लिया स्मॉल आई यहां से आया है, तो आई ये कहां से आया होगा? यहां से आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इसका मतलब ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल। तो ब्लड ग्रुप भी पॉसिबल है फिनो के रूप में, दोनों जीनो भी पॉसिबल है। अब अपन बी की बात कर लेते हैं, अगर मैं आईबीआईबी लेता हूं ये तो फिर इसी पर आईबी आएगा। हाँ, तो इसका मतलब ये बी तो हो सकता है लेकिन इस वजह से नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये वाला जो कंडीशन है ये अपनी रॉन्ग बन जाएगी जी। अब अगर ये वाली ले लें जितेंद्र सर जी, तो माना कि आई ए तो यहाँ से आ गया, तो ये वाला, लेकिन स्मॉल आई यहाँ से आ जाएगा, इसका मतलब है बी ब्लड ग्रुप तो पॉसिबल है लेकिन जीनोटाइप केवल ही होगा, जीनोटाइप केवल एक पॉसिबल है। ए बी की अगर बात करें तो माना कि आई ए तो यहाँ से आ गया लेकिन स्मॉल आई यहाँ से आ सकता है, इसका मतलब इसका ए बी पॉसिबल है फिनोटाइप के रूप में, और ये जीनो भी पॉसिबल है। अगर आई जीरो यहाँ से आया स्मॉल आई, तो आई ए यहाँ से आ सकता है, ये पॉसिबल है। तो कितने फिनो, चारों ही फिनो पॉसिबल है लेकिन जीनो कितने पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 तो 4 जीनो 5 फिनो 4 फिनो 5 जीनो जी, ऐसा कहां आ रहा है 5 जीनो 4 फिनो? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट चला रहा है। क्यों? आगे अपन डायरेक्ट करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में बताना था मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 जी सर। मेंडल प्रपोज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन, तो अभी भी बात की थी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस उन पे ये बेस्ड है। ठीक बात है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की अगर बात कर लेता तो डाइहाइब्रिड के ऊपर चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। फाइंड द इनकरेक्ट मैच गैमेट प्योर फॉर एट रेट होते हैं, सही बात है कि वो एप्लॉइड होते हैं। बिल्कुल। कोडोमिनेंस फ्लोर कलर इन स्नैपड्रैगन नहीं, एंटेरिनियम मेजेस की अगर बात करें वहां पर इनकम्प्लीट होता है, तो ये इनकम्प्लीट का है। बिल्कुल, यहाँ पर इनकम्प्लीट होना चाहिए था। अगली बात, तो ये क्या हो गया अपना, रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट पूछे, आंसर नंबर 2 चला जाएगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं, रिसेसिव जीन एक्सप्रेस जीन होमोजाइगस, बहुत बार बात कर ली, बिल्कुल सही बात है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कार्ल कोरेंस ने बताया है, ये बात भी ये भी जो है इन्हीं से रिलेटेड था ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। नेक्स्ट 35। ओके, तो यहाँ पे जो है दिया है कि एक डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म है, ओके, और वो हेटरोजाइगस है, और कितने लोकस के लिए? 4 के लिए, 4 लोकाई के लिए, एंड इक्वल टू जी, यानी ऐसी कंडीशन बता सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि वो डिप्लोइड है और 4 लोकाई के लिए वो हेटरोजाइगस है। ठीक है, पूछा क्या, हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट, तो वही 2 की पावर n वाला फॉर्मूला, बिल्कुल बच्चे लगा सकते हैं। और ये वाला जो है, तो 2 की पावर 4 आप करते हो, तो 2 × 2 × 2 × 2, तो 4 × 4 × 8 × 8 = 16 करेक्ट आंसर। थर्ड अपना चला जाएगा, यहाँ ये याद रखना होमोजाइगस फॉर 3 लोकाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। उसके लिए अगर देखें तो वो जो है ऐसे लिख सकता है 3 के लिए, हाँ ई एफ आ जाएगा, हाँ जो भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेटरोजाइगस देखना, हेटरोजाइगस ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, एन इक्वल टू 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 आ जाएगा जी सर। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए सुनील जी, और इसमें हमें इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है उसको फाइंड आउट, ठीक है, और ये एनसीईआरटी के स्टेटमेंट, सारे एनसीईआरटी के जा रहा हूं। तो यहाँ पे द जीनोटाइपिक रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, सही है, बट सिंपली लुकिंग एट द फिनोटाइप ऑफ रिसेसिव डोमिनेंट होना चाहिए, डोमिनेंट जो है उसको अगर देख के तो ये पॉसिबल है, लेकिन रिसेसिव को अगर देख लिया जाए तो उससे फिर ये नहीं हो पाएगा कि इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन। भाई अगर रिसेसिव फिनोटाइप देखा जा रहा है बिल्कुल, वो ड्वार्फ है, तो वो इसी कंडीशन में हो सकता है, तो जीनोटाइप का पता लग गया, बिल्कुल जीनोटाइप, लेकिन डोमिनेंट होता तो जीनोटाइप का पॉसिबल पता नहीं लगाया जा सकता, नहीं लग सकता। तो एनसीईआरटी की लाइन है उस रिसेसिव की वजह से गलत हो गई। ठीक बात है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे एक रेशियो दिया है 1/4, 1/2 और 1/4 वाला, बिल्कुल, और इन पर्टिकुलर जीनोटाइप के लिए लिखा है कि इज मैथमेटिकली कंडेंसेबल टू फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सप्रेशन है ना, ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर, दैट हैज द गैमेट बियरिंग जीन टी एंड स्मॉल टी इक्वल फ्रीक्वेंसी 1/2। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको एक्सपेंशन किया गया है, जो ये वाला करेक्ट है, करेक्ट है। फिर थर्ड के अंदर कि based on his observation on dihybrid cross, okay, Mendel proposed 2 rules that are collectively principal law of dominance, नहीं ये monohybrid वाला है, बिल्कुल बिल्कुल, तो इस वजह से dihybrid की जगह mono होना चाहिए था यहाँ पर। और D
If in test cross all progeny show dominant trait, then unknown parent should be homozygous. Homozygous होना चाहिए, हाँ, ठीक बात है। भाई अगर 1:1 होता या mono के रेस्पेक्ट में, डाई के लिए 1:1:1:1, तब वो हो जाता है ना, तो ये वाला भी गड़बड़ हो गया। ये यहाँ पर homozygous dominant होना चाहिए था, क्योंकि सारी progeny क्या show कर रही है, dominant trait show कर रही है। इसका मतलब है actually ये क्या रहा होगा, TT का cross किससे करवाया गया होगा, small t से, तब जाकर capital T small t सारे dominant आए होंगे। बिल्कुल। और जो लास्ट है एबीओ ब्लड ग्रुप के रेस्पेक्ट में कि इट इज कंट्रोल्ड बाय 3 एलील आईए आईबी स्मॉल आई आईए और आईबी प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर। ओके, और आई स्मॉल आई जो कोई शुगर नहीं बनाता है, वो रिसेसिव और वो एंजाइम नहीं बनाता है, एंजाइम नहीं बनाएगा। आईए और आईबी जो पर्टिकुलर एंजाइम बनाते हैं जो आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन को ऐड करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ओके, तो इसका मतलब है कि ईबी राइट हो गया, भी सही हो गया। अब पूछा है इनकरेक्ट के अकॉर्डिंग अपना पहला इनकरेक्ट चला गया, ठीक है, और उसके बाद ये सर सी इनकरेक्ट हो गया और डी। इसका मतलब ए सी डी ऑप्शन कहाँ आ रहा है, ये इसके नीचे देखना पड़ेगा भैया, बिल्कुल इसके नीचे छुपा हुआ है ए सी डी। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 रहेगा, आयो। The number of genotype produced by an individual of genotype, इसका मतलब n equal to 3 दे रखा है अपने को, crossed with each other, selfing करवा रहे हैं अपने को, तो n equal to कितना हो गया, 3 हो गया। और जीनों की अगर बात करें तो जीनों के लिए क्या आ जाता है, 3 की पावर n आ जाता है, 3 की पावर 3 का मतलब 3 × 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर 7 चल जाएगा। नेक्स्ट 38, जी सर। इन ए पी प्लांट येलो सीड आर डोमिनेंट टू ग्रीन, बिल्कुल ठीक है, हेटेरोजाइगस येलो है ना, seed plant is crossed with a green seed plant, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो condition है, test cross हो गए, तो लिखा है कि what would you expect in F1 generation, F1 के लिए क्या आप expect कर रहे हो, 1:1 आ जाएगा, जी, क्यों, test cross ही हो गया, 1:1, इसका मतलब 1:1 के लिए 15:15, भाई ratio है, ये 30 individual है तो 15 अलग होंगे और 15 अलग होंगे, बिल्कुल ठीक है, येलो और ग्रीन, बिल्कुल, तो 15 येलो हो जाएंगे, 15 ही ग्रीन हो जाएंगे, हेटेरोजाइगस का रिसेसिव से क्रॉस करवाया है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है, देखते ही पता लग गया और टेस्ट क्रॉस आया है, इसका मतलब 1:1 रेशियो डायरेक्ट। देखें आप, देखो क्वेश्चन नंबर 39, इफ टू पी प्लांट हैविंग रेड कलर्ड फ्लावर विद अननोन जीनोटाइप आर क्रॉस्ड, ठीक है जी, 75% ऑफ फ्लावर बद, अब क्या कह रहा है, दो पी प्लांट है और कैसे है, अननोन जीनोटाइप वाले हैं, इनका क्रॉस करवाया है, रेड वाले हैं ये दोनों, और इनका क्रॉस करवाने पर इसका मतलब ये कैसे रहे होंगे, आरआर रहे होंगे। अब मेरे को कैसे पता आरआर रहे होंगे, क्योंकि उसने कह रखा है 75% फ्लावर रेड है, 25% व्हाइट है, इसका मतलब है एक प्लांट ऐसा है, दो प्लांट ऐसे हैं और एक प्लांट ऐसा है, तो चार में से तीन कैसे हैं, रेड हैं, इसका मतलब है 75% रेड है। ये तो तभी आएगा जब हाइब्रिड का क्रॉस हाइब्रिड से करवाया जाएगा, 3:1 आ रहा है, 3:1 आ रहा है, क्यों जी, तो ये तो तभी आएगा जब F1 का क्रॉस F1 से सेल्फिंग करवाया जाए, द जीनोटाइपिक कंस्टिट्यूशन ऑफ द पेरेंट हैविंग रेड कलर्ड फ्लावर, तो ये दोनों पेरेंट कैसे रहे होंगे, हेटेरोजाइगस रहे होंगे, तो बोथ आर हेटेरोजाइगस, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 40, जी सर। मेंडल प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन मीन दैट द जर्म सेल, मतलब गैमेट की बात हो रही है, सेल ऑलवेज रिसीव, ओके, तो जो पेयर है उसमें कोई एक अलग है, बिल्कुल, जैसे ये है गैमेट बनेगा, इसका मतलब ये गैमेट में ये पहुंचता है, ये गैमेट में ये पहुंचता है, हेटेरोजाइगस होगा, अलग-अलग एलील चली जाएगी, क्यों, तो ये दिन सर ये आज का थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन था, बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको करवा दिए, हिस्ट्री से रिलेटेड और मोनोहाइब्रिड के इनिशिएशन अपन ने चालू कर दी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में अपन मोनोहाइब्रिड के ही कुछ और कंसेप्ट के साथ, फिर भी जैसे वीडियो देख रहे थे इसमें कई चीजें याद करने वाली है ना, बिल्कुल बिल्कुल, करेक्टर वगैरह क्रोमोसोम वगैरह, तो एक बार बच्चे जो एनसीईआरटी रीडिंग लगा लें, बिल्कुल है ना, बाद में उनको एनसीईआरटी के बगल में जो जगह आपको दी हुई है वहां पर वो चीजें भी आपको मेंशन करनी होती है रिवीजन के दौरान, वो आपको याद करना है, ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जय श्री कृष्ण।